प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर के बाद इंडिया टुडे की एक और डॉक्यू सीरीज आ रही है। इसका नाम है डांसिंग ऑन द ग्रेव। ये सीरीज 90 के दशक में बैंगलोर में हुई एक बेहद विभत्स घटना के बारे में है। डांसिंग ऑन द ग्रेव शाकिरा खलीली मर्डर केस पर बेस्ड है। शाकिरा मैसूर के दीवान की नवासी थी, रसूखदार परिवार से आने वाली अरबपति महिला। वो खुद कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थी। 1965 में शाकिरा ने अकबर मिर्जा खलीली से शादी की। इस शादी से उन्हें 4 बेटियां हुई। 1984 में उनका तलाक हो गया। 1986 में शाकिरा ने मुरली मनोहर मिश्रा नाम के एक शख्स से शादी कर ली, जो कि स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता था। शाकिरा नियमित रूप से अपनी बेटियों को फोन करती रहती थी। ये बात श्रद्धानंद को नहीं पसंद थी। बताया जाता है कि इस बात पर उन दोनों की लड़ाइयां भी होती थी। 1991 में एक दिन शाकिरा की बड़ी बिटिया सबा को उनकी माँ का फोन नहीं आया। उन्होंने ढूंढना शुरू किया मगर कुछ पता नहीं लग पाया। फाइनली वो पुलिस में गए। श्रद्धानंद पर सबको शक था मगर वो किसी को साफ जवाब नहीं देता था। किसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। 3 साल तक ऑपरेशन चलाने के बाद बैंगलोर पुलिस को पता चला कि शाकिरा का हत्यारा श्रद्धानंद ही है। आखिरकार श्रद्धानंद ने ही बताया कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है। ये भी बताया कि उसने हत्या कैसे की। श्रद्धानंद ने शाकिरा को ड्रग देकर बेहोश किया था, फिर उन्हें एक मैट्रेस में लपेट कर एक ताबूत में बंद किया और उनके ही रिचमंड टाउन वाले घर के आंगन में गाड़ दिया। बताया जाता है कि ये सब करने से पहले श्रद्धानंद ने उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। 1994 में जब पुलिस ने बॉडी रिकवर की तो उन्हें मैट्रेस पर बहुत सारे नाखूनों के निशान दिखे, जिसका मतलब ये निकाला कि शाकिरा को जब श्रद्धानंद ने गाड़ा तब वो जिंदा थी। कोर्ट ने इसे रियरेस्ट ऑफ रियर केस में गिना। श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में आजीवन कारावास में बदल दिया। श्रद्धानंद अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस मर्डर केस की पूरी कहानी आपको डांसिंग ऑन द ग्रेव में देखने को मिलेगी। इस सीरीज का नाम भी इस केस से जुड़ी एक घटना से प्रेरित होकर रखा गया है। बताया जाता है कि शाकिरा को जमीन में गाड़ने के बाद श्रद्धानंद ने उसी घर में पार्टी की थी जहाँ खूब नाच गाना हुआ था। इस सीरीज को पैट्रिक ग्राहम ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने इससे पहले होल और बोतल जैसी सीरीज डायरेक्ट की थी। डांसिंग ऑन द ग्रेव 21 अप्रैल को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेता अंक। मैं हूं मीता, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।